स्वागत है आपका मेरे वीडियो में तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था अबाउट प्रीलिम एग्ज़ाम कि उसमें कितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आएंगे तो जैसे कि हम देख सकते हैं स्क्रीन में कि प्रीलिम एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज आ रहा है जिसमें कि थर्टी क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिक्स में थर्टी फाइव क्वेश्चन आएँगे और रीजनिंग में थर्टी फाइव क्वेश्चन आएंगे तो टोटल होंगे सौ क्वेश्चन और इसको कम्प्लीट करने के लिए आपको टाइम मिलेगा सिक्सटी मिनट्स जो कि इनफ है आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए तो आप कर सकेंगे इसको और अभी दूसरे पड़ाव में आते हैं जहाँ पे है कि इसका मेन एग्जाम जिसमें कि आ रहा है कि टेस्ट ऑफ़ रीजनिंग 40 मार्क्स के और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के उसका भी 40 40 क्वेश्चंस के और टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें भी 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं और टेस्ट ऑफ़ जनरल अवेयरनेस उसमें भी फोर्टी क्वेश्चन और टेस्ट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज उसमें भी फोर्टी क्वेश्चन तो टोटल तो रहेंगे आपके दो सौ जिसको आपको कंप्लीट करना है वन मिनट्स में तो मैं आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ कि आर बी असिस्टेंट के सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो तीन फेजेज में रहते हैं पहला हो गया आपका प्रीलिम एग्ज़ाम दूसरा हो गया आपका मेन एग्ज़ाम और तीसरा जो होगा वो आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो जी हाँ दोस्तों लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट है वो एक और अगर सिलेबस की बात की जाए तो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में पढ़ना होगा जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया नंबर सीरीज हो गया सिम्प्लीफिकेशन हो गया अप्रॉक्सीमेशन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और कुछ अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स और हम रीज़निंग में अगर बात करें तो उसमें आता है सिलोजिज्म कोडिंग एंड डिकोडिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ब्लड रिलेशंस इनक्वालिटी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट और अन्य सारे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो उसमें आएंगे आपका रीडिंग कॉम्प्रिएशन क्लॉस टेस्ट एरर स्पॉटिंग पैराजल्स हो गए सेंटेंस हो गए फिर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस हो गए फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए और फिल इन द ब्लैंक्स तो यही रहेंगे आपके प्रिलिंग एग्ज़ाम में और अभी हम आते हैं दोस्तों मेन एग्ज़ाम की तरफ तो मेन एग्ज़ाम में जो रहेगा आपका अगर हम चालू करें क्वांट की तरफ से जैसे कि हो गया आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ तो उसका रहेगा बेस्ड ऑन नंबर्स रहेगा डिजिट रहेगा अल्फ़ाबेट रहेगा वर्ड्स मैथमेटिकल ऑपरेशन एक्सेट्रा और ब्लड रिलेशंस रहेगा डायरेक्ट और कोडेड टाइप डायरेक्शन सेंस टेस्ट रहेगा उसके बाद डेटा सफिशेंट में टू स्टेटमेंट रहेगा थ्री स्टेटमेंट टाइप रहेगा और कोडिंग डिकोडिंग में लेटर्स नंबर्स और सिंबल टाइप्स रहेगा इनपुट आउटपुट रहेगा इनक्वालिटी रहेगा और सिलोजिजम्स तो आएंगी पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट आएंगे जिसमें कि वेरियस टाइप्स आएंगे जैसे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट डूअल रो सिटिंग उसके बाद स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट फिगर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट अननोन और भी कई सारे मिसलिनियस में जैसे हो गया आपका ऑड वन आउट मीनिंगफुल वर्ड्स वर्ड्स और नंबर्स फॉरवर्ड बैकवर्ड सब कुछ और एक और चीज़ दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको जीरो पॉइंट टू फाइव मार्क्स आपका काटेगा अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो, तो प्लीज़ उससे सावधान रहिएगा और अच्छे से आप आंसर करके आइएगा और हम क्वांट्स की तरफ अगर देखें तो इसमें आएंगे आपका नंबर सीरीज में रॉन्ग मिसिंग नंबर सीरीज उसके बाद डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बेस्ड स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब रूट उसके ऊपर कुछ आएंगे क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन रहेगा जो कि बॉड रूल के ऊपर बेस्ड रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन फिर से रहेगा जिसमें कि लाइन ग्राफ बार ग्राफ पाई चार्ट रेडर चार्ट मिक्स चार्ट रहेगा सब कुछ और अरिथमेटिक प्रॉब्लम में जैसे रहेगा रेशियो और प्रोपोर्शन, एवरेज एज बेस्ड प्रॉब्लम्स रहेगा परसेंटेजेस रहेगा प्रॉफ़िट एंड लॉस एंड डिस्काउंट रहेगा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चनस भी रहेंगे उसमें डेटा सफिशंसी रहेंगे और क्वान्टिटी बेस्ड क्वेश्चन भी रहेगा तो यही सारे क्वेश्चनस रहेंगे वहाँ पर आपको एक एक हर एक चीज़ का प्रैक्टिस करके जाना है ताकि वहाँ पे आप अच्छे से डील कर सको और लास्टली जब आप जनरल अवेयरनेस की तरफ पढ़ेंगे तो उसमें टॉपिक्स देख लीजिएगा नेशनल न्यूज़ के ऊपर इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर बैंकिंग और फाइनेंस के ऊपर इकोनॉमी और बिजनेस के ऊपर समिट एंड रैंकिंग्स के ऊपर अवार्ड एंड रिकोगेशन के ऊपर अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन के ऊपर मर्जर और एक्विजिशन के ऊपर देख लीजिएगा साइंस और टेक्नोलॉजी भी देख लीजिएगा डिफेंस देख लीजिएगा स्पोर्ट्स देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट्स फेस्टिवल्स देख लीजिएगा स्टेट न्यूज़ देख लीजिएगा स्टैटिक अवेयरनेस देख लीजिएगा तो यही सारे आते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर तो ईची टॉपिक में आप थोड़ा बहुत देख के जाइएगा तो आपका सुविधा होगा आंसर करने में और लास्टली दोस्तों जो आपको मैंने बताया था कि लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट होने वाला है वो हर एक रीजन का अलग अलग लैंग्वेज में होगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज वाइज जैसे आप अगर अहमदाबाद से हो तो गुजराती होगा आप अगर बेंगलुरु से हो कनाडा होगा आप अगर भोपाल से हो तो हिंदी में होगा और अगर आप भुवनेश्वर से हो तो उड़िया में होगा और अगर आप चंडीगढ़ से हो तो पंजाबी या फिर हिंदी में होगा अगर आप चेन्नई से हो तो तमिल में होगा अगर आप गुवाहाटी से हो तो आसामीस बंगाली काशी मणिपुरी, बोडो मिसो, उसमें से होगा अगर आप हैदराबाद से हो तो तेलुगू में होगा अगर आप जयपुर से हो तो हिंदी में होगा अगर आप जम्मू कश्मीर से हो तो उर्दू हिंदी या कश्मीर में होगा कश्मीरी में होगा अगर आप कानपुर और लखनऊ से बिलोंग करते हो तो हिंदी में होगा अगर आप कोलकाता रीजन से हो तो बंगाली या नेपाली में होगा अगर आप मुंबई से हो तो मराठी या कोंकणी से होगा अगर आप नागपुर रीजन से आते हैं तो मराठी या हिंदी में होगा अगर आप न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हो तो हिंदी में होगा अगर पटना से बिलोंग करते हो तो हिंदी या मेथाली से होगा और अगर आप तिरुवनंतपुरम से हो तो मलयालम से होगा तो यही सारे कुछ डिटेल्स हैं जो आपको मुझे बताने थे बाकी आप अच्छे से प्रिपेयर करते जाइए नोटिफिकेशन अभी तक आउट नहीं हुआ है तो जैसे ही आउट होता है आप इस चैनल पर बनिए रहेगा आपको जल्दी से जल्दी दिखाया जाएगा नोटिफिकेशन